वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी विल मूव टू अनदर टॉपिक इन थ्योरी ऑफ मार्केटिंग पार्ट सेकंड डेट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें मेन मेन जो फंक्शंस है मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो इसेंशियल्स है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे तो लेटस कंटिन्यू और इसके ऊपर आज बात करते हैं कौन कौन से मार्केटिंग के फंक्शंस है सबसे पहले मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें मार्केटिंग के फंक्शंस दे रखे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट मार्केटिंग एनालिस सेकेंड मार्केटिंग प्लानिंग थर्ड मार्केट कम्युनिकेशन फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फिफ्थ सेल्स सिक्स स्टोरेज सेवन पैकेजिंग एंड लेबलिंग एर्थ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नाइन्थ प्राइस डिटमिनेशन टेंथ ब्रांडिंग एलेवेंथ फाइनेंशियल फैसिलिटीज ट्वेल्थ ट्रांसपोर्टेशन बारह फंक्शन के बारे में आज ट्वेल्व फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो ट्वेल्व फंक्शंस में एक एक फंक्शंस को मैं एनालाइज करता हूँ और उसको समझाता हूँ सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एनालिस की मार्केट एनालिस का मतलब क्या होता है स्टडी करना मार्केट फील्ड की उसी को हम क्या कहते हैं मार्केट एनालिस कहते हैं मार्केट में कंज्यूमर की नीड एंड वांट क्या है उसके बारे में नॉलेज लेना मार्केट एनालिस कहलाता है जनेस मैन गट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर डिजायर्स नीड्स एंड वॉन्ट्स कंज्यूमर के डिजायर नीड्स एंड वॉन्ट के बारे में डिस्कस करना ये मार्केट एनाल कहलाता है डेट रिजल्ट मैनेजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द मार्केट इसका रिजल्ट क्या होता है मैनेजर्स एबल हो जाते हैं मार्केटिंग कंडीशन को समझने में और कंज्यूमर की नीड एंड वॉन्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मार्केटिंग एनालिसिस में हमने यही पढ़ा कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी करना मार्केट की स्टडी करना मार्केट के अलग अलग फील्ड की स्टडी करना मार्केट का जो किंग है कंज्यूमर उसकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना ये ही मार्केट एनालिसिस कहलाता है सेकेंड फंक्शन है मार्केट प्लानिंग मार्केट प्लानिंग इज अम्पॉर्टेंट टूल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी है प्लानिंग किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए और यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट प्लानिंग अगर मार्केट प्लानिंग बेटर रहती है मार्केट प्लानिंग नेसेसरी रहती है मार्केट प्लानिंग गुड रहती है एक्सपर्टीज पर्सन के द्वारा होती है या बेस्ट होती है तो इसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर पड़ता है और मार्केट प्लान की वजह से जो आपके प्री डिटर्माइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड वो आप अचीव कर सकते हो प्रॉपरली थ्रू अ बेटर मार्केटिंग प्लानिंग सो मार्केटिंग प्लानिंग इज अम्पॉर्टेंट टूल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल रिलेटेड टू मार्केट एक्टिविटीज़ इसका मतलब ये बता रखा है कि, कि किसी भी एक्टिविटीज जो मार्केटिंग के अंडर में आती है उसको उसके गोल को अचीव करने के लिए मार्केटिंग प्लानिंग बहुत जरूरी है जिससे प्री डिटर्माइन ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं मार्केट कम्युनिकेशन की मार्केट कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग एक्टिविटी का इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं मार्केट कम्युनिकेशन के एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केट कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना रिसीवर टू सेंडर सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर्स की या फिर मैन्युफैक्चरर्स की वो एक्सचेंज होते हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग इसका रिज़ल्ट क्या होता है कंज्यूमर्स के इंपॉर्टेंट मैसेजेस रिसीव होने के बाद कंज्यूमर के फीडबैक कंज्यूमर के कंप्लेंट्स रिसीव होने के बाद जो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करता है अपने प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आता है सो मार्केट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज फोर्थ पॉइंट डिस्क्रब कर रखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का अलग अलग मीन दोनों का मैं बताता हूं स्टैंडर्डाइजेशन की पहले बात करेंगे फिर हम बात करेंगे ग्रेडिंग की सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्शन करना गुड्स का प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन पहले से ऐसे स्पेसिफिकेशन सोच लेना ऐसे इंग्रेडिएंट सोच लेना ऐसी क्वालिटी सोच लेना ऐसी क्वांटिटी सोच लेना जो सबसे यूनिफॉर्मिटी बना के रखे मतलब सबसे अलग कुछ नया बना के रखे उन चीज़ों को मैं क्या कहता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन बताना प्रोडक्ट का या स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट करना स्टैंडर्डाइजेशन में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो करा जाता है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके करा जाता है जो जो पहले से आपने पहले से जो भी स्पेसिफिकेशन सोच रखे हैं प्रोडक्ट के फीचर्स सोच रखे हैं उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है कॉर्डिंग टू क्वालिटी क्वान्टिटी टाइम एंड प्राइस जो भी सारी चीज है उसको मेनटेन करा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन में टाइम एलिमेंट देखा जाता है प्राइस एलिमेंट देखा जाता है क्वालिटी एलिमेंट देखा जाता है ऑफ द प्रोडक्ट अब डिस्कस करते ग्रेडिंग के ऊपर ग्रेडिंग में क्या कहा गया? गया है ग्रेडिंग में बताया गया है ग्रेडिंग मीन्स इंक्लूड डिवाइडिंग द गुड्स प्रोड्यूस इन टू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देर टाइप एंड क्वालिटी ग्रेडिंग का मतलब एक क्लास देना एक ग्रेड देना प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर टाइप अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी ये ग्रेडिंग होता है ग्रेडिंग में हम गुड्स को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल मार्केट में राइस अवेलेबल होता है राइस अलग अलग क्वालिटी के राइस आते हैं अलग अलग टाइप के राइस आते हैं अलग अलग प्राइस के राइस आते हैं है पर के जी एक राइस का पैकेट आता है सिक्सटी रुपीज़ पर के जी एक राइस का पैकेट आता है फोर्टी रुपीज़ पर के जी एक राइस का पैकेट आता है फिफ्टी रुपीज़ पर के जी तीनों की क्वालिटी अलग तीनों के टाइप अलग तीनों की प्राइस अलग डैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेडिंग सो ग्रेडिंग हमें हाई लेवल से लो लेवल प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है ये चीज़ें ग्रेडिंग में बताई गई है और गुड्स को डिवाइड करता है सो so, हमने दो बातें पढ़ी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फिफ्थ फीचर बता रखा है सेल्स सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बाद बात करते हैं सेल्स की सेल्स में यही बताया गया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने प्रोडक्ट की ट्रांसफर करता है ओनरशिप अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप को ट्रांसफर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसके साथ बायर्स के साथ एक प्राइस लिस्ट अवेलेबल करा के और सेल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग पब्लिकेशन करता है प्राइस की और फिर और फिर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाता है तो सेल्स मार्केटिंग एक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है मार्केटिंग फंक्शन का और ये बताता है हमें कि जो भी प्रोडक्ट सेल करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले उसकी सेल्स कंडीशन रखता है उसकी प्राइस का पब्लिकेशन करता है जो भी प्रोडक्ट लेके आता है और फिर उसकी प्राइस के पब्लिकेशन के बाद प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बायर्स के साथ और जैसे जैसे बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे वैसे ओनरशिप ट्रांसफर करता है प्रोडक्ट की और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं सेल्स कहते हैं सो सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें यही बताता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना प्रोडक्ट की डेट इज कॉल्ड अ सेल्स अब बात करते हैं स्टोरेज की स्टोरेज सिक्स पॉइंट हमें क्या बताता है स्टोरेज हमें ये बताता है कि गुड्स जब प्रोडक्शन हो जाता है तो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होता वैन प्रोडक्शन आर डन सो देअर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन आफ्टर देन प्रोडक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज़प्शन प्रोडक्शन और कंज़प्शन के बीच में टाइम गैप रहता है और ये इसी टाइम के बीच टाइम गैप के बीच में हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट को स्टोरेज करते हैं गुड्स को सेव करके रखते हैं गोडाउन में वेयर हाउस में इस वजह से हमारा जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेफ रहता है और स्टोरेज रहता है और बाद के लिए कंज्यूम होने में हेल्पफुल रहता है सो स्टोरेज इज़ अ नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग एंड दैट एक्टिविटी एक्सप्लेन्स अबाउट गुड सेफ कीप द गुड सेफ एंड दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड गुड सेफ्टी रिगार्डिंग देयर क्वालिटी रिगार्डिंग देयर क्वान्टिटी इन अ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टाइम पीरियड प्रोडक्शन और कंजम्पशन टाइम पीरियड के बीच में स्टोरेज हमें गुड्स के सेफ्टी प्रोवाइड कराता है सो so, सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग एक्टिविटी में स्टोरेज प्रोडक्ट का करना जिससे गुड्स आगे चल चलकर फ्यूचर में बेटर ढंग से डील हो सके सेवन पॉइंट बताया गया हमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग एक्टिविटी का जब भी प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है जब भी प्रोडक्ट जब भी प्रोडक्ट बनता है डिजाइन होता है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं पैकेजिंग करते हैं जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट सबसे पहले पैकेजिंग करी जाती है एक पैकेजिंग क्या देता है प्रोडक्ट को एक प्रॉपर शेप एक साइज एक प्रोडक्ट को डिजाइन देता है इसी के बाद लेबल के बारे में बताया गया है लेबल प्रोडक्ट पे डिजाइन करता है लेबल को लेबलिंग क्या होता है प्रोडक्ट पे डिजाइन करता है लेबल को इससे क्या होता है लेबल का मतलब क्या होता है लेबल एक ऐसी डिज़ाइनिंग है प्रोडक्ट की जिसमें प्रोडक्ट की कलर प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट की फीचर्स प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन आप चाहना चाहते हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है दोनों प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रोडक्ट के सक्सेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल कैडबरी फॉर एग्जाम्पल लेस फॉर एग्जाम्पल अंकल चिप्स पार्लेजी डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग ये ऐसे प्रोडक्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनको कहते हैं हम पे अट्रैक्टिव लेबल एंड पैकेजिंग लगी रहती है जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है और प्रोडक्ट को परचेस करता है एथ पॉइंट पे डिस्कस करा गया प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट डिजाइन हेल्प इन मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव फॉर द टारगेट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिजाइन भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मार्केटिंग फंक्शन की जिसमें प्रोडक्ट को डिजाइन करना बताया गया है और इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है जो भी टारगेट कंज्यूमर है जो कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि जो टारगेट कंज्यूमर होते हैं जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उनको हेल्प रहती है प्रोडक्ट डिज़ाइन से कि प्रोडक्ट को परचेस करना और प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्ट होना एक एग्जांपल दे रखा है इफ़ मार्केटिंग इज मार्केटर इज डीलिंग विथ रेफ्रिजरेटर देन इन प्रोडक्ट प्लानिंग दे डिजाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहा है मार्केटर तो सबसे पहले क्या देखेगा उसकी प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा क्वालिटी देखेगा और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर उसका साइज देखेगा कलर देखेगा डिज़ाइन देखेगा टेक्नोलॉजी देखेगा सारी चीज़ें देखेगा ये ही चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है अगर ये सारी चीज़ें बेटर रहती है प्रोडक्ट का साइज प्रोडक्ट का कलर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें अगर बेटर रहती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली कंसिडर होता है सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज अम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मार्केटिंग दे एक्सप्लेन अबाउट अ प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट कंज्यूमर्स इन द मार्केट नाइन पॉइंट प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन हमें डिस्कस करता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के सक्सेस में किसका हाथ है प्राइस का अगर प्राइस फेवरेबल रहेगी कंज्यूमर के तो कंज्यूमर मोटिवेट होगा गुड्स को ख़रीदने के लिए नहीं तो कंज्यूमर गुड्स की तरफ अपना डायरेक्शन अपना ध्यान नहीं देगा सबसे पहले बात करेगी ए पॉइंट की इसमें द डिमांड ऑफ़ ए प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस सबसे बड़ी बात बता रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन में कि जो डिमांड रहती है वो किससे रिलेशन बना के रखती है प्राइस के साथ अगर प्राइस लो रहती है तो डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करता है अगर प्राइस हाई रहती है तो डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट की कम करता है नॉर्मली सो प्राइस डिटर्मिनेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्रोडक्ट के सक्सेस प्रोडक्ट के फेलियर के बारे में बताता है मार्केट में और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है मार्केट में जिससे कंज्यूमर मोटिवेट होकर प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्ट को परचेस करता है सो प्राइस डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन दे एक्सप्लेन वॉट इज अ प्राइस शुड बी रीच इन द मार्केट मार्केट में कौन सी प्राइस रखी रहनी चाहिए वो चीजों के बारे में बताता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी जैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी है जैसे प्रोडक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखनी चाहिए यहाँ पे बताया गया टेंथ फंक्शन है ब्रांडिंग ब्रांडिंग में सबसे पहले बता रखा है किसी भी कंपनी का ब्रांड किसी भी कंपनी का लोगो उसको हम क्या कहते हैं ब्रांड करते हैं एक ब्रांड एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्टिंग्विश करता है अनदर प्रोडक्ट के साथ ब्रांड एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग एक्टिविटी का जो हमें प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के बारे में बताता है और प्रोडक्ट को अदर कंपनी के साथ डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंटली बताता है द सेलेक्शन ऑफ राइट ब्रांड नेम प्ले इंपोर्टेंट रोल इन द सक्सेस प्रोडक्ट इन द मार्केट सबसे बड़ी बात है अच्छा नाम कंपनी का अच्छा लोगो अच्छा ब्रांड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट के सक्सेस में हेल्पफुल रहता है सो ब्रांड नेम आइडेंटिफिकेशन जो भी होता है वो एक ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट फेवरेबल रहे और प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग रहे इलेवन फाइनेंशियल फैसिलिटी फाइनेंशियल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटी जब प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और जब सेल पे एंड होती है तब तक हमें फाइनेंशियल फैसिलिटी की ज़रूरत रहती है जैसे परचेस ऑफ गुड्स इस्टोरेज सैलरी ऑफ लेबर वेजेस ऑफ लेबर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सारी चीज़ों में फ़ाइनेंशियल फैसिलिटी जरूरी है एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होना चाहिए मार्केटिंग फंक्शन में जो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हो फाइनेंस को मैनेज करता हो और फाइनेंशियल फैसिलिटी बड़े बिजनेस लेवल पर या फिर मीडियम बिजनेस लेवल पर या स्मॉल बिज़नेस लेवल पर फाइनेंशियल फैसिलिटी आप लोन के थ्रू बैंक से भी ले सकते हैं और अदर अदर डिपार्टमेंट uh, से भी अदर सेक्टर से भी ले सकते हैं तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज नेसेसरी इन मार्केटिंग एक्टिविटी इज स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू सेल सेल तक फाइनेंशियल फैसिलिटी जरूरी है ट्वेल्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट बता रहा है ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग फंक्शन का ट्रांसपोर्टेशन के बिना यहाँ पे मार्केटिंग फंक्शन अधूरी रह जाती है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है मूवमेंट्स ऑफ वन प्लेस टू अनदर द प्लेस लेकिन यहाँ गुड्स की बात करी गई है मार्केटिंग एक्टिविटी में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना वन प्लेस टू अनादर प्लेस ये क्या कहा गया ट्रांसपोर्टेशन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अरेंजमेंट करने में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो यही बताता है हमें कि गुड्स को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह तक

फिफ्थ पॉइंट सेल्स सिक्स पॉइंट स्टोरेज सेवन पॉइंट पैकेजिंग एंड लेबलिंग एट पॉइंट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट नाइन पॉइंट प्राइस डिटर्मिनेशन टेंथ पॉइंट ब्रांडिंग एलेवन पॉइंट फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड ट्वेल्थ पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन अगर इन पॉइंट में से आपको किसी भी, भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा और इसमें बताइएगा मेरे को कि किस किस प्रॉब्लम में आपको किस किस आपको, किस किस पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम है सो थैंक यू वेरी मच और आज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट होता है